बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने संगठन के अंदर बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली के अंदर गई बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर भी निगाहें बराबर जारी रखी है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय की तरफ से जारी किया गया एक प्रेस नोट के मुताबिक मुरादाबाद मंडल के एक साथ पांच जो क्षेत्र है वो आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, यानी कि मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों के जिलाध्यक्ष है वो एक साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बदल दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी पिछले कई दिनों से लगातार नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के ऊपर अपनी राय दे रही थी और तमाम घटनाओं के ऊपर अपने विचार रख रही थी, लेकिन इसी बीच अब खबर यह निकल कर आ रही है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने जो शासनकाल के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम रहा था उन तमाम घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी बदलाव कर रही है और दिशा निर्देश दे रही है कि मेरे कार्यकाल में काम हुए उनको ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से पांच जिलों के जिलाध्यक्ष बदले हैं जिनके अंदर मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल और रामपुर है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मुरादाबाद क्षेत्र से सुनील आजाद को एक बार फिर से प्रदेश जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही बिजनौर से दिलीप कुमार उर्फ पिंटू को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अमरोहा से एडवोकेट सोमपाल सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभल से एडवोकेट जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। साथ ही रामपुर से सुरेंद्र कुमार को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने अपने प्रदेश कार्यालय से इस बात की पुष्टि